ऊर्जा मंत्री ने गटर साफ किया तो गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। हर तरफ हो रही कांग्रेस विधायक के ट्वीट की चर्चा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सफाई अभियान इन दिनों चर्चा में है। सड़कों की सफाई से लेकर नाले नालियां साफ कर रहे ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को सीवर चैंबर की भी अपने हाथ से सफाई की। मंत्री के अभियान की तारीफ के बीच शहर में नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की निकम्मेपन की भी चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई व्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वे जब विधायक थे तब से लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री, फिर भाजपा सरकार में मंत्री बनने के बाद भी उनका सफाई अभियान जारी है। वे कभी सड़क साफ करते हैं तो कभी नाले में उतर कर उसकी सफाई करते हैं। बीते सोमवार को उन्होंने सीवर चैंबर गटर को भी अपने हाथों से साफ किया। इस समय ऊर्जा मंत्री ने एक महीने का विशेष अभियान भी चलाया हुआ है। ऊर्जा मंत्री के सफाई अभियान की चर्चा ग्वालियर से लेकर राजधानी भोपाल तक है, लेकिन अब लोग इस पर सवाल भी उठाने लगे हैं। ऊर्जा मंत्री के गृह जिले ग्वालियर की ही बात की जाए तो मंत्री जी पिछले लंबे समय से सड़कें, नालियां, नाले, सीवर चैंबर अपने हाथों से साफ कर रहे हैं और अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन ना तो कोई उनकी चेतावनी का असर हो रहा है और ना ही नगर निगम कमिश्नर लापरवाह अधिकारियों पर कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने तंज कसा है और नकारा अधिकारियों को लेकर सवाल किया है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट किया कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जब आपकी सरकार के मंत्री को ही गटर और नाले साफ करने पड़ रहे हैं तो ऐसे नकारा अधिकारियों को आप हटा क्यों नहीं देते जो मंत्री जी को नाले में उतरने के लिए मजबूर करते हैं। वैसे आपकी नकारा सरकार के लिए ये आईना है। मध्य प्रदेश के इतने बुरे हाल हैं, वाह रे आपका सुशासन। कांग्रेस विधायक का ये ट्वीट इस समय खूब चर्चा में है। ब्रजमोहन शिवरे की तीन मिल से लेकर के खरगेश्वर मंदिर तक जो नाला है देखा, इंदिरानगर बाबू बस्ती में गया, इंदिरानगर गया, प्रसाद नगर गया, वहाँ पे जो नाला चौक था जिसके कारण लोगों के अगल बगल गलियों में भी पानी भरा हुआ था, निकास में दिक्कत थी, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सफाई व्यवस्था ठीक करने को। और मैं सभी से ये भी आग्रह करता हूँ कि नगर निगम और सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी और आप सबका भी सहयोग मिले कि कचरा कचरे डान में ही डालें, गाड़ी में डालें, रोड पर ना फेंकें। यह है मेरी आप सभी से प्रार्थना है और यह सेवा निरंतर रूप से आपकी सेवा के लिए तैयार है। हम सब मिलकर के इस शहर को स्वच्छता में नंबर पर लाएं, यह है मेरा निवेदन। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।